हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं आज मैंने आपके लिए कौन सी गाड़ी लाएंगे, आप गेस कर पा रहे? सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा शोरूम में स्पेस कम है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो आज मैंने लेके आया है हुंडई वर्ना, जो कि सबकी एक ड्रीम कार रहती है। बचपन में आपने देखा ही होगा, सबने कहा था वरना लेना है, वरना लेना है, वरना लेना है। तो आ जाओ भाई, आज आपके आपके लिए मैंने वरना ले आया है। तो ये वरना 1.5 SX ऑप्शनल 1. VTVT मैनुअल वेरिएंट है, जो कि कॉस्ट करते हैं एक्स शोरूम 12,31,000 और ऑन रोड 14,23,000। तो ये इसकी कॉस्टिंग है। अगर आप इसको जल्दी से जल्दी अवेल करना चाहते हैं तो आप शिवनाथ हुंडई सुपेला में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट डिटेल लास्ट में ऊपर में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से। आप देख सकते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी मेरे जैसी होगी तो आपके ऊपर ये कार काफ़ी सूट करेगा। मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे दिखता हूँ भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टर्स LED लाइट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हेलोजन में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास कट्स एंड क्रीसेस, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है। ये हमारा एयर कर्टन्स दिया हुआ है। ये हमारा सामने का पार्किंग सेंसर्स दिया हुआ है। ये हमारा DRL, जो कि मोस्ट डिमांडिंग फ्रंट बना देता है। ये पूरा कनेक्टिंग DRL है। दो शोरूम गाड़ी है तो इसमें बैटरी की प्रॉब्लम है, बैटरी नहीं है तो मैं जला कर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट होती है। ये हमारे DRL है, ये सिर्फ DRL है। तो ये अगर आप रात में चल रहे हैं इस गाड़ी को लेके, तो एक काफ़ी अच्छा व्यू आएगा इस गाड़ी का। लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे इस गाड़ी को देखने के लिए, आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कितने में ली, क्या ली, कैसे ली। तो इस गाड़ी का एक रुतबा है, अगर आप वरना ले लेते हैं ना तो लगेगा ही। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट का ग्रिल, यहाँ पे पियानो ब्लैक में ग्रीसेस दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, नाइस, मैं तारीफ करना चाहूँगा। अब हम आ जाते हैं साइड लुक की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइड लुक काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप इसको रात को लेके चलेंगे, काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ा दिख रहा है साइड से मुझे। तो इसका व्हील बेस और सारे डायमेंशन, सारी चीज़ आपको इसके स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर। तो इसमें 205/55R16 इंच के टायर्स हैं, जो कि ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आप एक लग्जरी वाली फील लेना चाहते हैं तो आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हैं, जो कि टर्बो वेरिएंट है। टर्बो में आपका ब्लैक कलर का अलॉय व्हील्स आता है, तो काफ़ी अच्छे गुडियर के टायर्स मिलते हैं आपके पास। ये हमारे पास 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, जो कि अच्छा है। अब हम बूट की ओर आ जाते हैं। बूट से पहले आप इसका टेल लाइट्स देखिए, ये पूरा यहाँ से L टाइप से पूरा कनेक्टिंग टेल लैंप्स है, पूरा यहाँ तक एंड तक कनेक्ट होता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास हुंडई की बैजिंग और ये वरना ड्रीम कार। अब मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 528 लीटर्स का हुमंगस बूट स्पेस है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, दो इसमें 60/40 स्प्लिट सीट नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे पलटा देंगे ना तो एक फ्लैट बेड बन जाएगा। आप यहाँ पे दो सामान भी रख सकते हैं, और दो अगर आपको एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो दो लोग आराम से सो के रात भर गुजार सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था। मैं आपको इसका स्पेयर टायर भी दिखा देता हूँ। इसका स्पेयर टायर आपको मिलेगा 185/55R15 इंच का, ये 15 इंच का स्पेयर टायर है। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पे बूफर लगा हुआ है, सब बूफर है, ये सब बूफर दिया हुआ है। और यहाँ पे टेल लैम्प दिया हुआ है, जो कि रात के समय दिक्कत ना आपको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं, इंटीरियर में क्या फीचर्स, क्या फंक्शंस, सारी चीज़ें आपको इंटीरियर में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बैक सीट दिखाता हूँ गाड़ी का। तो ये हमारा इतना खुलता है, 90 डिग्री के लगभग खुलता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपका इनग्रेस और आउटग्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम प्रीमियम हुंडई से मैं प्रीमियम में इसका क्या ही बात करूँ, वो गाड़ी प्रीमियम बनाता है आपको। आप आते ही साथ ऐसे लगे कि ले लूँ भाई। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फैब्रिक है, ये पूरा फैब्रिक टच दिया हुआ है, ये पूरा। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, ये मिरर के कंट्रोल्स है, ये सिल्वर कलर में, ये अनलॉक अनलॉक के। और यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है क्या, जिसका ब्रांडिंग है बोस के। यहाँ पे आपको हुंडई वरना में 8 स्पीकर्स प्रोवाइड करता है, जो कि बोस के हैं। और यहाँ पे सीट देख सकते हैं आप, मैं 5.11 फिट का हूँ। थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है मुझे, थाई सपोर्ट ग्रेट,
टिफनी रूम इतना, और हेड रूम देख लिया जाए, हेड रूम भी अच्छा है। मैं 5.11 का हूँ, मुझे कंफर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं ऐसे सो के भी जाऊँ ना, नॉर्मल इंसान तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे तो बैठता नहीं एकदम स्ट्रेट, वो या तो ऐसे बैठेगा या तो ऐसे बैठेगा। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठता नहीं हूँ, मुझे पीछे की सीट इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हुंडई की गाड़ियों में रियर सीट ना काफ़ी अच्छे थे, इससे रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे आर्म रेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आर्म रेस्ट है, और 3 हेडरेस्ट तो नहीं है, डुअल हेडरेस्ट दिया हुआ है। अब हम, और हाँ यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स दे दिया जाता है, जो कि रियर पैसेंजर्स में काफ़ी काम आता है, दिक्कत नहीं होता है गर्मियों के। यहाँ दो, आपको पता है भिलाई में काफ़ी गर्मी होती है, तो हुंडई ने काफ़ी अच्छा चीज़ बताया। और यहाँ पे 2 USB पोर्ट दिए हैं, लाइटनिंग फास्ट चार्जर है, सी टाइप है। अब हम फ्रंट की ओर आ जाते हैं, डोर्स हैवी हैं, इसके डोर्स हैवी लग रहे हैं। इसमें सीट्स तो आपके इलेक्ट्रिक फंक्शन के साथ आते हैं, तो इसमें बैटरी नहीं है, हाँ लेकिन मुझे सीट, ये सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है, काफ़ी अच्छा। मैं 5.11 का हूँ, तो ये मैं उसे और कंफर्टेबल सेट कर सकता हूँ, दो इसमें बैटरी नहीं है इसीलिए मैं अच्छे से सेट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे फैब्रिक आ गए, ये हमारे मिरर के कंट्रोल्स हैं, ये हमारा वो RBM के कंट्रोल्स हैं, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड के साथ आते हैं, ये हमारा लॉक एंड लॉक जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आते हैं, और यहाँ पे ये सॉफ्ट टच, ये हार्ड प्लास्टिक, ये सॉफ्ट टच। यहाँ पे बस इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हाइट लेवलर का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये सॉरी आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये बस ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। ये यहाँ पे आपसे हुड ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से मैनुअली आप बूट भी ओपन कर सकते हैं अगर आपकी बैटरी डाउन है तो। अब हम इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर की तरफ आते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हुंडई का स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको स्पोक नहीं मिलेगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि मैं इसको किस तरफ घुमा रहा हूँ। हुंडई का लोगो सेम दिखता है, या तो इधर घुमाऊँगा या तो इधर घुमाऊँगा, ये दोनों एक ही जैसे दिखेगा। मुझे इसको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसा है। ये हमारे पास, इसमें बैटरी नहीं है ना, तो मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी आपसे। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक ये हेडलाइट है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक IRBM है। यहाँ पे आपको SOS फंक्शन मिलते हैं। अब आ जाते हैं, ये 10.25 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे हमारे पास AC वेंट्स हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम। छोटी छोटी बारीकियाँ जो सिल्वर फिनिश दिए हुए हैं ना, और ये पकड़ने में भी सॉफ्ट है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, सॉफ्ट फिनिश दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे AC के कंट्रोल देख लें, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC कंट्रोल है, ये ऑफ, ये रियर वो डिफॉगर कंट्रोल है, ये फ्रंट डिफॉगर कंट्रोल है, ऑटोमेटिक। यहाँ पे 3 कंट्रोल्स है ना, ये 3 फैन स्पीड के साथ काम करता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, इसमें आपको जला के नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये फैन स्पीड आप और बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे पास नॉब कंट्रोल्स है, ये हमारे पास डायरेक्शन आपको कहाँ पर हवा चाहिए, पैर पे, मुँह पे, स्क्रीन पे, कहाँ पे भी, विंडशील्ड पे। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं USB चार्जिंग, ये फास्ट चार्जिंग है, ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, 2 USB चार्जिंग मिलता है ना, एक USB नॉर्मल और एक लाइटनिंग चार्ज, सॉरी USB-C टाइप है। ये हमारे पास पार्किंग असिस्ट का है, यहाँ से आप दबाएंगे तो स्क्रीन में कैमरा खुल जाता है, और ये हमारा रियर पार्किंग सेंसर्स बंद करने का है। तो ये फंक्शंस तो मुझे पता नहीं चलता ये क्यों दिया हुआ है, रियर पैसेंजर पार्किंग सेंसर क्यों बंद करेगा इंसान। और ये हमारे पास वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूजफुल फंक्शन है ये। और ये हमारा मैनुअल गियर बॉक्स है, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, जो कि इसमें रिवर्स का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे ये दिखाना था यार, सॉरी हूँ दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास हैंड ब्रेक का कंट्रोल है, और ये आपका हैंड रेस्ट, ये आपका सॉफ्ट लेदर में सॉफ्ट है। तो और आपको बता देता हूँ सनरूफ का फीचर, सनरूफ आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा, यहाँ से ये मैनुअल खोलता है और यहाँ से ओपन करते, ओपन तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बैटरी नहीं है, बार बार बता रहा हूँ सॉरी। ये हमारे पास हेलोजन नहीं है, ये LED में काफ़ी अच्छे हैं, ये LED में जो है। और यहाँ पर भी आपके पास दिया वैनिटी मिरर, ड्राइवर के लिए भी है और को ड्राइवर के लिए भी दिए। और मैं बताना चाहूँगा इसके सीट्स जो है वो लेदराइट है, तो आपको प्रीमियमनेस तो देखेगा ही हुंडई की तरफ से, काफ़ी अच्छा है। तो आपको अब इंजन के स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ, जो कि ये 1.5 मैनुअल है ना, मैनुअल और
टर्बोचार्ज इंजन नहीं है। इसमें सीटिंग काफ़ी अच्छा है यार, राइड कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी चला के दिखाऊंगा। मेरा चलाने का तरीका अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। तो इसका इंजन में खोलते हैं। One hour later. काफ़ी हैवी है यार, बहुत हैवी है। तो ये है 1.5 लीटर का मैनुअल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि अच्छा है, मैं बोलूँगा ठीक है। अगर आप इसको पावरफुल, मतलब आप इसको पावरफुल इंजन लेना चाहते हैं तो आप इसको टर्बो वेरिएंट ले सकते हैं जो कि 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 150 bhp का पावर निकालता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये था हमारा इंजन स्पेसिफिकेशंस। काफ़ी हैवी प्रोडक्ट है यार। तो मैं कहना चाहूँगा ये हमारा एक गाड़ी का ओवरव्यू था। अगर आपको इस गाड़ी को परचेस करना है तो आप शिवनाथ हुंडई आ सकते हैं जो कि सुपेला में है। आप अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऊपर दे दूंगा जो कि आपको गाड़ी जल्द से जल्द अवेल करके दे देंगे। तो मैं कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा और प्रीमियम गाड़ी ये बनाया है हुंडई ने। दूसरे कॉम्पिटिटर्स से लुक, डिज़ाइन, फंक्शंस, फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पावर एक्स्ट्रा मिल रही, पावर सेम मिल रही है आपको। तो मैं कहना चाहूँगा आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी प्रीमियम है और एक लग्जरी गाड़ी है। अगर मेरे जैसा पर्सनैलिटी हो तो ज़रूर ले, ज़रूर ले, मैं बताना चाहूँगा। तो ये था हमारा गाड़ी का एक ओवरव्यू। और कहना चाहूँगा अगर आपको इसको ड्राइव रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल में, ताकि इसका ड्राइव रिव्यू देख सकें। थैंक यू सो मच।